हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 7 दिसंबर के टीवी की रिपोर्ट क्या आई सामने, जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो इसमें से बाहर हो जा रहे हैं, भर्ती से क्या रीज़न है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो गलतियाँ आप ना दोहराएं, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका टीवी अभी होना बाकी है जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्मार्ट नौकरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है सरकारी फॉर्म का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम ही क्यों ना हो, हम सभी का नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या आपको जो है स्ट्रेटजी अपनानी होती है, किस प्रकार से आपको जो तैयारी करनी होगी, और आपको पूरा हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर्स की टीम है जो आपके लिए हमेशा दिन रात काम करती है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के जितने भी स्टूडेंट्स की चाहे उनके लिए हमने इस स्पेशली ये वीडियो को और इस चैनल को खोला है, ताकि आपको जो है यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब देर ना करते हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 7 दिसंबर की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ ये दोस्तों, 7 दिसंबर को जो टोटल स्टूडेंट थे बुलाए गए थे उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, 7 तारीख को टोटल अगर बात करें तो कितने थे स्टूडेंट जो बुलाए गए थे, वो थे आपके 5045। जी हाँ दोस्तों, इतने बच्चों को जो है बुलाया गया था आपके डीवी के लिए, और जिसमें से लोग अब्सेंट थे, जी हाँ दोस्तों, 800 लोग तो सिर्फ अब्सेंट थे। जी हाँ दोस्तों, तो 800 लोग जो अब्सेंट थे, ये तो सीधा भर्ती से बाहर हो गए, बिकॉज आप जब खुद ही आप नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली आप बाहर ही हैं, तो यहाँ पर हो गए 800 बच्चे ऐसे सीधा बाहर। अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम दे रही है वो हो रही है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपको दोस्तों पता है कि आपका जो आधार कार्ड लिंक होता है आपके फिंगरप्रिंट से, उसी चीज़ को बायोमेट्रिक के रूप में जानते हैं हम। और जब स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए काफ़ी लोग, लगभग 600 से ज़्यादा लोग जो हैं प्लस में, इसमें जो है 600 से ज़्यादा लोगों का जो है बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनका अंगूठा जो है प्रिंट नहीं हो पा रहा है मशीन्स में, और जिसकी वजह से लोग उनको जो है साइड में रख दिया गया। साइड में मतलब ना ही उनको सिलेक्शन किया गया, ना ही उनको बाहर किया गया, लेकिन इस पर कोई भी जो है प्रतिक्रिया नहीं हो रही। और आपको पता है सरकारी फॉर्म में 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है डीवी के लिए मोस्टली ज़्यादा ही बच्चों को बुलाया गया है, और वो बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिनका कुछ भी इशूज़ नहीं होता। तो ये बायोमेट्रिक का जो इशू हो रहा है, आपको भी पता है कि कितना मुश्किल होता है जो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं इस समय डीवी में। और डीवी में दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डॉक्यूमेंटेशन है, तो अपना डॉक्यूमेंटेशन आप में ध्यान दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म है, आप कौन से फॉर्म में लेके जा रहे हैं, और नोटिफिकेशन में कौन सा फॉर्म पूछा गया है, उसके बाद आपका कलर फोटो, रंगीन फोटो, ये सब वगैरह आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से चेक होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि जिसका एप्लीकेशन छूट गया, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 7 तारीख को डीवी था लेकिन आप किसी कारणवश, मतलब आपसे वो जो है मिस हो गया, तो क्या आप उस वापस से डीवी के लिए बैठ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डीवी किसी कारणवश, कोई भी निजी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी जेन्युइन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप जो है नहीं पहुंच पाए डीवी के लिए, तो आपके पास एक चांस अभी भी, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो है आप बता सकते हैं आपका रीज़न कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, और आपको जो है जल्द से जल्द जो है आपको दूसरा डीवी का डेट दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक खास बात मैं आपको और बता दूँ कि 10 से 15 दिन के बाद अगर यही चीज़ आप दोहराएंगे कि 10 से 12 दिन के बाद मैं अप्लाई करता हूँ, तो नहीं होगा। साफ साफ वेबसाइट पर लिखा है कि 10 से 15 दिन के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जिनका भी छूट गया है। तो यहाँ से ज़्यादा आप 1 या 2 दिन का लेट कर सकते हैं, यानी कि 7 तारीख को आपका डीवी है, तो दोस्तों आप 8 तारीख, आज संडे है, तो या तो कल तक, जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख से पहले तो आपको जो है अप्लाई कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म भर के, आपका जो भी जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से आप नहीं दे पाए, तो ही आपको जो है दोबारा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गए इतने बच्चों का जो है सिलेक्शन, और 4000 से बच्चों जो हैं जो जिनको जो है सेलेक्ट किया गया है, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 4000 जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें से तो काफ़ी बच्चे जो ऐसे थे जो अब्सेंट हुए पहले में, टोटल 5045 थे, तो यहाँ पे 1045 तो आपके सीधा ऐसे ही माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 800 तो लोग सिर्फ अब्सेंट थे और 600 से ज़्यादा लोगों का जो है टोटल फॉर्म अभी तक जो है सेलेक्ट नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्ट का मतलब यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो उनको ना ही सेलेक्ट किया गया है, ना ही
निकाला गया, लेकिन वो लोगों को सिर्फ बीच में रखा गया है कि अभी उन पर पुनर्विचार होगा, क्या किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा अगर इनका बायोमेट्रिक नहीं होता है। तो देखा जाए दोस्तों, अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो सीधा धरती से आप बाहर हो रहे हैं, तो इन बच्चों को कुछ भी चांसेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बायोमेट्रिक हो जाता है एक दोबारा और ट्राई करने पर, तो दोस्तों आपको कौन सी सावधानी रखनी वो मैं बता देता हूँ। आपको अपने अंगूठे को एकदम साफ सफाई के साथ रखिए, कोई भी ऑयली चीज़ पर मत लगाइए। आप डीवी के लिए जब भी जा रहे हैं तो अपना रफ हाथ रखिए, ज़्यादा गीला करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी पेंटिंग वगैरह जो काफ़ी लोग करते हैं, कलर वलर मेहंदी वेहंदी लगा लेते हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप हेयर ड्राई भी लगाते हैं तो उसका भी कलर अपने हाथ में लग जाता है, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपने आपको सेफ रखिए। दो दिन तीन दिन की तो बात है, सिर्फ आपको डीवी के लिए पहुंचना है, और डीवी आपका एक बार हो जाए उसके बाद आपको जो करना आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोस्तों, मैं चाहूँगा अपने हाथों को सेफ रखिए, सुरक्षित और साफ सुथरा, ताकि आपका आसानी से बायोमेट्रिक हो जाए। और उसके बाद दोस्तों, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। कुछ भी पूछना हो आपको यूपी पुलिस डीवी के बारे में, तो आप बेफिक्र होकर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप हमसे जब चाहे तब पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।